हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया शर्मा फ्रॉम एनआईटी शमशेरपुर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फर्स्ट ईयर में कहाँ से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि जनरली क्लास में तो हम पढ़ने वाले हैं नहीं, तो हम कौन सी यूट्यूब चैनल फॉलो करें, हम कौन सा वीडियो देखें, हम कौन सा बुक लें, बहुत सारी चीज़ें। तो यार सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या रहता है। तो इवन यू नो कि हमारे जितने भी ब्रांचेस होते हैं सारे ब्रांचेस का फर्स्ट ईयर का सिलेबस सेम होता है, जनरली सेम होता है, ठीक। तो ऐसे एक्चुअली डिवाइड होता है, किसी में ऐसा होता है कि अगर आपके कॉलेज में टोटल 8 ब्रांचेस है तो 4 ब्रांच में जो पढ़ाया जा रहा है सेमेस्टर 1 में, वो बाकी के 4 ब्रांच में सेमेस्टर 2 में पढ़ाया जाएगा, और इसमें जो सेमेस्टर 2 में पढ़ाया गया वो आपको इसमें सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? ओके। तो जनरली जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, अगर हम बात करते हैं कि ये जो है ए वाला फॉलो हुआ, तो सेमेस्टर 1 में हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक, ये 4 हैं। उसके बाद और वर्कशॉप वगैरह रहता है तो, और लैब होता है तो वो तो आप ठीक है कर लोगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेमेस्टर 2 में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ED, या फिर इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इसको बोलते हैं, एंड देन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, इसके अलावा भी इसमें एक आपका मटेरियल साइंस होता है, तो वो सारी चीज़ें आप कुछ जो बेसिक चैप्टर है वो आप कर लोगे। हम बात कर रहे हैं ऐसे कोर चैप्टर्स, ऐसे कोर सब्जेक्ट्स जो हमारे सारे कॉलेजेस के ब्रांच में होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में हर जगह होता है। तो हम बात करते हैं यार, देखो मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 आपका सेकेंड सेमेस्टर में, हर ब्रांचेज में यही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यहाँ वाले में चल रहा है तो यहाँ वाले में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 ही चलता है, ठीक। तो अब यार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 अगर हमें पढ़ना है तो मैथमेटिक्स 1 पढ़ना हो या मैथमेटिक्स 2 पढ़ना हो, द बेस्ट लेक्चर या द बेस्ट यूट्यूब चैनल इसके लिए है आपका भगवान सिंह विश्वकर्मा सर का, ठीक है। थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम है उनके वीडियो में, तो अगर तुम हेडफोन लगा के पढ़ लोगे, ईयरफोन लगा के पढ़ लोगे थोड़ा वॉइस तेज करके, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। लेकिन उन्होंने जो कंसेप्ट की क्लैरिटी दी है वो मस्त है, तो अच्छे से उनके लेक्चर देखो, ठीक है। उसके अलावा बुक अगर सजेस्ट करें तो BS ग्रेवाल हमारे प्रोफेसर ने सजेस्ट करी थी, तो आप वो बुक कर सकते हो, तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट कर लो, देन BS ग्रेवाल को सॉल्व कर लो। होता ये है कि बच्चे मैथ से हेट करने लगते हैं, ठीक है, एंड आई वाज वन ऑफ देम, ठीक है। और इसका ये हुआ कि इसकी वजह से जो मैथ्स में मार्क्स था वो कम हो गया था, और थोड़ा सा CG जो था वो डाउन आ गया, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं फर्स्ट डे से ना थोड़ा थोड़ा टाइम मैथ्स को देते रहना, क्योंकि एट द एंड फिर तुम्हारा CG बिकॉज ऑफ मैथ्स नीचे ना गिरे, ठीक। देन हमारे पास है इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स आप पढ़ सकते हो लास्ट मोमेंट ट्यूशन, या फिर टेक्निकल फिजिक्स करके चैनल है वहाँ से पढ़ सकते हो, और बुक के लिए यार एक ही जैसे की बुक है बेस्ट है, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कमिंग ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये इंजीनियरिंग फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे आपके वही होते हैं जो आपने 11th 12th में पढ़ा होता है, ठीक है, मतलब जनरली उतना ही रहता है, थोड़ा सा तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ से करना है ये, तो ये आपको नीजो अकेडमी है वहाँ से कर सकते हो, बहुत अच्छा उन्होंने बताया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और रही बात बुक की, तो यार हमारे प्रोफेसर ने तो इसकी PPT दी थी तो वो काफ़ी सही था, और मे भी आपके प्रोफेसर अगर आपको PPT नहीं देते तो आप अपने फ्रेंड्स से ले सकते हो, कि अगर किसी और कॉलेज में जहाँ पे PDF वगैरह मिल रहा है तो आप वहाँ से उसे कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कमिंग ऑन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो यार हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ी थी गेट अकेडमी प्लस, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया है, तो आप यहाँ से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा भी कुछ और है, लाइक आप टिकल्स अकेडमी से भी पढ़ सकते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, सेम गोज फॉर इट। इसके लिए सर ने एक PPT ही हमारे को दी थी या PDF दिया था, अगर आप बुक रिकमेंडेशन देखना चाहते हो तो ये बुक के हमने फोटो लगा दिया, वो बुक ले सकते हो फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ से करना है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमें DC AC ट्रांसफार्मर यही सारी चीज़ें पढ़नी होती है। यार इसके लिए जो बेस्ट प्लेलिस्ट है उसका हमने लिंक लगा दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने यहीं से किया था, एंड आई गॉट 28 आउट ऑफ 30 इन माई इलेक्ट्रिकल एग्जाम सिर्फ ये प्लेलिस्ट देख, ठीक है, तो यार नंबर अच्छे आए थे, तो बढ़िया है, मतलब ये प्लेलिस्ट आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा सर ने पढ़ाया है, ठीक है। और यार बुक की अगर बात करें तो BR पाटिल सर है, उनकी बुक आप ले सकते हो, ठीक है। कमिंग ऑन टू द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 बता दिए कहाँ से करना है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, तो यार बुक किसके लिए, जेन एंड जेन है, एंड चैनल के चैनल जो है उसका हमने यहाँ पे आपको फोटो लगा दिया। उसके अलावा जनरली 12th बेस्ड ही होते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें अगर आपने 12th अच्छे से किया है तो आप कर ले जाओगे। देन ED इंजीनियरिंग ड्राइंग कहाँ से करना है, तो आप टिकल्स अकेडमी से कर सकते हो, या फिर इसके अलावा आप गेट अकेडमी प्लस से कर सकते हो, ठीक। और सी प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो अपना कॉलेज दैट इज अमन भैया का जो चैनल है
या फिर कोड विद हैरी, हैरी भाई का जो चैनल है, या फिर आप बुक की अगर बात करें तो बाला गुरु स्वामी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यार। तो इवन यू नो कि यार हम एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ही पढ़ते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सीन है, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमको स्टार्टिंग से पढ़ना होता है। अगर हम उनको एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले या 1 दिन पहले पढ़ेंगे तो कम्प्लीट नहीं होने वाला, ठीक है। तो उनमें से आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। उसके अलावा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, ठीक। और उसके बाद तो डिपेंड करता है कि सी प्रोग्रामिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। एंड इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपको कैसे प्रोफेसर मिले हैं। अगर आपको लीनियर प्रोफेसर मिले हैं तो आप 2 दिन बाद भी पढ़ लो और ठीक है, थोड़ा लिखो के आ गए तो नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोफेसर ऐसे जो नंबर कट करते हैं, लाइक हमारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के टीचर तो ज़्यादा ही खड़ूस थे, मतलब नंबर देने में, एज अ पर्सन तो अच्छे हैं बट नंबर देने में खड़ूस हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी नंबर कट किया था, तो लाइक आउट ऑफ 30 19 वॉज द हाइस्ट नंबर, तुम सोच सकते हो। तो इसलिए हमें केमिस्ट्री, अब हमारे मिड सेम में तो 19-30 में से 19 जो था वो हाइस्ट मार्क्स था, तो इसलिए हमें एंड सेम में पहले से ही केमिस्ट्री पढ़नी पड़ी थी। तो अपने हिसाब से अपने सीनियर से पता कर लो प्रोफेसर कैसे हैं, या 2-3 दिन क्लास करके तुम्हें खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड, एंड अगर आपको कॉलेज रिलेटेड और भी वीडियोज चाहिए, कैसी भी वीडियोज चाहिए, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।